नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील कुमावत और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये ग्वालियर किला है। ग्वालियर फोर्ट पर आज मैं हूँ और आपको बहुत शानदार चीज़ें आज देखने को मिलेगी। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इस किले पर भी मैं आया, कौन कौन से गेट मैंने देखे। और ये देख पा रहे होंगे आप मेरे पीछे पूरे ग्वालियर शहर का नज़ारा, जो कि आपको इस तरीके से नज़र आएगा। रात का टाइम देखेंगे तो और ज़्यादा शायद खूबसूरत नज़र आएगा। और ये आप देख पा रहे हैं ग्वालियर किला, ये बस ये जो मेन गेट है यहीं पर मैं खड़ा हुआ हूँ और यहीं पर ही आप देख पाएंगे ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। और ये है मेन तो किले की चढ़ाई करते हैं, उससे पहले चलते हैं हम लोग, कुछ नाश्ता बनी हो जाए। भैया इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बड़ाई? अच्छा ये कितने, दो पंद्रह रुपये। अच्छा कितने रुपए की है? पंद्रह रुपए की दो। यस वाह यार, और साथ में ये क्या है? ये सब्जी है। साथ में सब्जी है, चलो वाह ठीक। हमारे व्यूअर्स को एक बार हेलो बोल दो आप। हाय। हाँ चलो ठीक है, तो अब हम खाएंगे बेड़ाई, उसके बाद चलेंगे किले पर। ये आगे हम गुजरी महल ग्वालियर। ओहो, ये है गेट और ये है बादल दरवाजा। इस दरवाजे का नाम तोमर राजा मानसिंह के, चलो खैर मैं फोटो डिस्क के डालता हूँ। हमने पार किया बादल दरवाजा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे गेट पर, ग्वालियर किले के दूसरे गेट पर देखते हैं इस गेट का क्या नाम है। गणेश दरवाजा। ये हम देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है। एक मंदिर देखने को मिलेगा आपको, जस्ट किले से नीचे है। ये 0 पॉइंट भी कुछ है इसके बारे में दिया हुआ है, चतुर्भुज मंदिर। हम नेक्स्ट गेट पर, इस गेट का नाम है लक्ष्मण गेट। बिल्कुल टर्न है सीधा सा, इसमें यू टर्न है। ये इस गेट के बारे में यहाँ दिया हुआ है। आते से ही बिल्कुल अलग ही नजारा नजर आएगा। ये शहर, ये किला, ये थके हुए हम
देख पा रहे होंगे आप मेरे पीछे का शानदार नज़ारा। ये कोच कार है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए कहाँ तक नीचे निशाना जाता है। और ये पीछे शहर है और मैं रास्ते के साइड में चल रहा हूँ और जस्ट इसके ऊपर जो है वो किला है, महल है, मतलब किला पे तो हम हैं ही सही, किले पे बना हुआ मुख्य महल। और अब हम शायद अंतिम दरवाजे की ओर आ चुके हैं। ये आप देखते हैं हम किले के अंदर, ये है मेन द गेट किले का। और अब हम देखते हैं अंदर की ओर कैसा है नज़ारा। काफ़ी देर मैं यहाँ रुका हूँ और अब मैं अंदर की ओर जा रहा हूँ। ये है मेन दरवाजा। फाइनली हम किले पर आ चुके हैं। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, पुरातत्व संग्रहालय म्यूजियम है। और ये कुछ प्लेट लगी हुई है जो फर्श लगी जो बताएगी पूरे फोर्ट के बारे में कि कहां पर क्या चीज़ें हैं। तो अब हम रियल में किले पर अब आए हैं, अब हम किले को देखेंगे। ये है शहर, ये है किला। ये इस किले की सबसे खास जगह जहाँ पर लोग अधिकतर घूमते रहते हैं, फोटो खींचते हैं, चिल्ला चोट मचाते रहते हैं। अभी बिल्कुल फोटो पिकिंग प्लेस है, यहाँ पर लोग अक्सर तस्वीरें लेते रहते हैं क्योंकि बहुत ही शानदार आपको कलाकारी देखने को यहाँ मिलती है। मैं भी फोटो लूंगा यहाँ पर। अब हम ये म्यूजियम से बाहर आ चुके हैं। अंदर जाओ, 5 रुपए की टिकट लो और फोटो मत खींचो। ये पीछे आप देखिए शानदार नज़ारा है, लेकिन बाहर से तो फोटो खींच सकते हैं। ये म्यूजियम और चलिए देखते हैं पूरा किला।
वहाँ जो हमने बावड़ी मंदिर जाने का रास्ता देखा था वो अब आप देखें अंदर कहाँ खुलता है। ये रहा अंदर, आप देख पाएंगे एक तो पहला ही गेट है वो तो जमीन के ही पर ही है, दूसरा गेट हो रहा और वो रहा नीचे तीसरा गेट बिल्कुल अंदर जा रहा हूँ और उसके नीचे भी सीढ़ी है। जैसा हमें परंपरागत जो हम पुरानी बावड़िया देखते हैं लास्ट तक जाने की व्यवस्था रहती है, उसमें सीढ़ियाँ रहती है, कुछ इसी टाइप की बावड़ी ये भी है पर ये बिल्कुल गोलाई के आकार में है। आमतौर पर जो पुरानी बावड़ियाँ देखने को मिलती है चौकोर रहती है। खैर चलते हैं अब और आगे बढ़ते हैं किसी और जगह देखते हैं। ये है मेरे पीछे 80 खंबा महल और इसी के पास में है बावड़ी है जो भी मैंने आपको दिखाई और वो पीछे है मानसिंह महल और इस साइड हम देखेंगे ये दूसरा दरवाज़ा है, यहाँ गाड़ियाँ तक आती है। यदि पैदल आना हो तो इस साइड से आइए और गाड़ियों से आना है तो यह साइड से आइए, फिर दरवाजा भी देख के आते हैं हम लोग। अभी हम हैं इस किले के जो सबसे कहें कि मुख्य महल जो है मानसिंह महल। वहाँ से हमें टिकट लेना होती है, ये टिकट मैंने ले ली है और अब हम जाएंगे मानसिंह महल। सबसे पहले तीन जगह जा सकते हैं, मानसिंह महल और सात भू मंदिर है और एक मंदिर है, चलते हैं मानसिंह महल। चलो इसी टाइप के ऊपर भी एक
ये थे हम मानसिंह महल में, लगभग हम पूरा किला घूम चुके हैं। ये मानसिंह महल में हम लोग काफ़ी कुछ देख चुके हैं। अब चलते हैं बाहर सास बहू के मंदिर पर। वैसे तो सास बहू की लड़ाइयाँ होती रहती हैं, हो सकता है इसी बारे में भी मंदिर हो। ये जैसा आपने देखा अभी कि पीछे राजा लोग बैठा करते थे और यह नृत्य हुआ करता था। चलते हैं वहाँ। गोला कहाँ से लगाते हैं पता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। पीछे से भी पेक है। इसका मतलब ये हुआ कि गोला जो है यहीं से लगता होगा, जिधर से निकलेगा उधर से ही लगेगा। गुरुद्वारे का नाम क्या है? दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। हाँ जी। आ चुके हैं सास बहू मंदिर और बहुत ही खूबसूरत नक्काशी देखने को मिलेगी। ढेर सारे लोग। इससे पहले हम देख लेते हैं वो वाला मंदिर कौन सा है जो पास में बना हुआ है। देखिए पूरा ग्वालियर, ग्वालियर का किला। और ये मंदिर में अंदर तो ऐसी मूर्ति ऐसा तो कुछ भी नहीं। अंदर से कुछ ऐसा बना हुआ है। मंदिर है लेकिन मंदिर में मूर्ति नहीं। मंदिर में मूर्ति नहीं। अच्छा आपको कैसे पता? तो ये है बहू मंदिर और ये है सास का मंदिर, इसलिए सास बहू मंदिर। और ये पीछे देख पा रहे हैं पूरा ग्वालियर शहर और ये ग्वालियर किला। हम किले में ही है। चलते हैं सास के मंदिर। ये सास मंदिर है। यहाँ पर भी कोई मूर्ति नहीं है।
शायद तोड़ दी होगी। ये तो कहीं नई बात ही था सास बहु मंदिर। और अब इस किले पे आगे बढ़ रहे हैं और जाएंगे हम तेली मंदिर। खैर ये विशेष मंदिर हैं, जो इस टाइप के मंदिर आपको यही देखने को मिलेंगे। सास बहु मंदिर में हमने देखा कोई मूर्ति तो नहीं थी, यदि किस जमाने में हुआ करती होगी तो पता नहीं। और अब देखते हैं तेली मंदिर में क्या है। से बना हुआ है, लाल पत्थर नहीं बोलना चाहिए इसको, इसको कुछ अलग टाइप का बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर बोलेंगे इसको, उससे पूरा किला बना हुआ है। सिंधिया स्कूल, अच्छा सिंधिया स्कूल बिल्कुल, थोड़ा सा मैं नजर लेके आता हूँ सिंधिया स्कूल का बाहर से ही। ये प्ले ग्राउंड है सिंधिया स्कूल का। हम आ चुके हैं तेली मंदिर, तो चलते हैं देखते हैं अंदर। चलिए जल्दी चलते हैं। सचिन में जो टाइम नहीं मिली लेकिन इसमें से पूरा हम बोल रहा हूं क्या ये बता रहा हूं क्या सॉरी ये मैं अंदर से बताता हूं तेरी मंदिर चलते हैं ना क्या यहां पर शानदार नक्काशी देखने को मिलेगी आपको। शानदार फोटो खींचते रहो। मैं भी ये था तेली का मंदिर ग्वालियर फोर्ट पर, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। काफ़ी शानदार नक्काशी इसमें की हुई है और काफ़ी विशाल का मंदिर है ये भी। तो अब हमारा जो ये सफ़र है ये खत्म होता है। तेली के मंदिर के बारे में यहाँ कुछ दिया हुआ है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये सूरज कुंड है, यहाँ पर गालब ऋषि तपस्या करते थे। अच्छा। उनके नाम पे ग्वालियर शहर का नाम पड़ा था। इसका निर्माण महाराजा सूरज सेन ने 6 सेंचुरी में कराया, जिससे हाँ। इसका नाम सूरज कुंड पड़ गया। और इसके पानी में नहाने से लेप्रोसी रोग ठीक हो जाता है। ऐसा? हाँ। अरे वाह, तो यार ये तो पानी बहुत गंदा है, थोड़ी कोई नहाता होगा। पानी गंदा है, यहाँ महात्मा जी आते हैं वो पानी पढ़ के देते हैं इससे। अच्छा अच्छा, अभी भी? हाँ अभी भी, संडे के दिन आते हैं सुबह। अच्छा संडे के दिन आते हैं, वाह यार। हाँ भाई, ये जो वो सूरज सेन के बारे में जो है। हाँ, सूरज सेन एक क्या था कि यहाँ शिकार खेलने के लिए आए थे। यहाँ कुछ नहीं हुआ करता था, यहाँ जंगल था। तो यहाँ महात्मा जी तपस्या करते थे गालब ऋषि। उन्होंने उनसे पानी मांगा, लेकिन उन्होंने बताया कि इस कुंड से जाके पी लीजिए। तो कुंड में गए और फिसल गए, उसमें फिसलने से वो उसमें गिर गए। तो उनको जो लेप्रोसी का रोग था तो उसमें नहाने से ठीक हो गया। तो उन्होंने उसके उपलक्ष्य में इस कुंड को बड़ा बनाया और उन्होंने इस किले की नींव रखी थी महाराजा सूरज सेन ने। बिल्कुल, फिर बाद में
मानसिंह तोमर ने इसका निर्माण और करवाया। राजा आते गए, मानसिंह तोमर ने मानसिंह महल बनाया। ये महाराजा मेहरभोज के शासनकाल में ये तेली का मंदिर बना और महाराजा महिपाल सिंह के शासनकाल में वो सास बहू का मंदिर बना। अच्छा अच्छा, अलग अलग मंदिर अलग शासन काल बने। जो जो राजा आते हैं वो सब। और ये सिंधिया जी जो है, सिंधिया जी यहाँ के लास्ट शासक। अच्छा, और अभी वो जय विलास पैलेस में थे। अच्छा चलो, वाह यार थैंक यू। क्या नाम तुम्हारा? आकाश सिंह बैस। वाह आकाश सिंह बैस, बहुत बढ़िया, हमें सफर भी कराया और बताया भी सही, थैंक यू। तो अंग्रेजों के जमाने के टाइम का लग रहा है। 1897 का है। वाह यार वेरी गुड, तुम्हें बताया सर जान। तो बस अब देख चुके हैं आपके, हो चुका है अंधेरा। ये रहा ग्वालियर शहर और ये रहा ग्वालियर का किला, जिसमें आज लगभग पूरे दिन भर मैं घुमा हूँ। घूमो तो दिल खोल के घूमो। और ये रहा हमारे भारत का झंडा, भारत माता की जय हो। नमस्कार, अलविदा, बाय बाय, फिर मिलते रहेंगे, फिर किसी और नए शहर में मिलेंगे, नई बात के लिए मिलेंगे। आज इस ग्वालियर की जो यात्रा थी इसको हम विराम देते हैं, क्योंकि रात हो चुकी है, ये पीछे लाइट जल रही है। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।